17 वर्कर मर गए एक फैक्ट्री के अंदर, बाहर ताला लगा हुआ था। दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे मैं खुद पहुंचा था वहां पर, हमने वो वाक्या देखा। वर्करों को उठा उठा के तो रात को ही ले गए अस्पताल के अंदर, मरी हुई लाशों को ले गए। उसके बाद हमने सब जगह गुहार लगाया, बहुत कुछ हमने किया, फिर भी अब के भवाना में हुआ, उसके बाद पीरागढ़ी में हो गया, फिर कहीं और हो गया। इनका बदंगा पेशा है, इनका बदंगा पेशा है, इनका बदंगा पेशा है, इनका जगीरा सारा रारा, जगीरा सारा रारा। मैं MTNL में काम करती थी, लेकिन जब ये न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया 18,000, तो वहाँ से हम लोगों को बिना बताए बिना नोटिस दिए हम लोगों की छटनी कर दी और एक रात में ही हमें बेरोजगार बना दिया। जब वो वेतन आना बंद हो गया तो यहाँ तक कि अपनी माता जी की दवाई खरीदने के लिए भी मुझे उधार लेके उनकी दवाई लानी पड़ी, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। उस स्थिति में सिर्फ एक ट्रेड यूनियन ही है जो बेरोजगारों को सहारा देती है, उनकी सुनती है। दिल्ली जल बोर्ड जो खुद मुख्यमंत्री के अधीन है, दिल्ली जल बोर्ड में आउटसोर्सिंग और निजीकरण की प्रक्रिया जारी है। जो ये वादा करके आए थे हम ठेका को पक्का करेंगे, ये उल्टे उसको आउटसोर्सिंग कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर और दूसरे सार्वजनिक जो हमारे दिल्ली सरकार के हुए हैं। इन सभी चीज़ों के खिलाफ दिल्ली की मजदूरों में रोष है। दिल्ली जल बोर्ड में 90 के बाद से भर्ती बंद है। दिल्ली जल बोर्ड में कभी 35,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज दिल्ली जल बोर्ड में लगभग 19,000 कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी है, दिल्ली में कॉलोनियां बढ़ी हैं, दिल्ली की सीवर लाइनें बढ़ी हैं, दिल्ली की वाटर लाइनें बढ़ी हैं, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी घटा है। हमारी सरकार से दो मांग है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू है। हमें ना ही न्यूनतम वेतन दिया जाता, हमें ना ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और पूरे हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई भी हमारा समय नहीं है। हमें किस समय घर से उठकर जाना पड़ता है, हमारे साथ कोई हादसा हो, हमें कोई भी जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती है हमारे लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये पूर्ण रूप में सिद्ध हो गया है कि मोदी जो है वो अदानी अंबानी के CEO बन के काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि जनप्रतिनिधि आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में। सबसे अहम बात कि बड़ी मुश्किल से लड़के संघर्ष करके दिल्ली के अंदर 37% के वेतन की बढ़ोतरी करवाई गई, जो 3 मार्च 2017 को उपराज्यपाल ने नोटिफिकेशन के जरिए जारी भी की, जिसमें आज जो है 13,896 रुपये एक हेल्पर को मिलना चाहिए, मगर वो दिल्ली के सरमाएदारों ने जिनकी नीयत नहीं है वो वेतन देने की, उस वेतन को हाई कोर्ट में चुनौती दे करके पिछले 15 महीने से लंबित कर रखा है। कानून बन गया आपका मार्च 2014 को, उसका नोटिफिकेशन हो गया है कि किसी भी आदमी को, रेडी पट्टी वालों को, जहां वो बैठा है वहां से वो खड़ा ना जाए जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बनती। टाउन वेंडिंग कमेटी को ही सारे अधिकार होंगे कि इनको अगर एलोकेट भी करना है कहीं जगह से, जहाँ समझते हैं कि रास्ता रुक रहा है, ये चलने वाले पेडेस्ट्रियन का रास्ता रुक रहा है, तो पहले आप उन्हें सर्टिफिकेट बैंडिंग देंगे, उसके बाद भेजेंगे। बीस जुलाई को पूरा दिल्ली का चक्का जाम होने वाला है, आज ये उसका शुरुआत हो रहा है। अभी हम इलाके इलाके में जाएंगे, फैक्ट्री एरिया के अंदर मीटिंग करेंगे, मजदूरों को जगाएंगे, मजदूर बस्तियों में भी हम जाएंगे, हम साझा तौर से भी संगठन जाएंगे, अपने अपने ट्रेड यूनियन की तरफ से हम जाएंगे और सबको दिल्ली में जगाने का काम करेंगे।